बिसम इब्राहिम uh, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिड्स तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है वो वर्टिब्रेट्स में है वर्टिब्रेट्स में भी हम सबसे पहले स्टडी करने लगे हैं टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस अगर हम फिश का मीडियम देखें तो फिश का जो मीडियम है वो मुख्तलिफ होता है फिश जो है वो एयर मीडियम नहीं होता उसके सराउंडिंग मीडियम वाटर होता है द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर डिटर्मेंट दॉडी टेम्परेचर ऑफ द मॉइस्ट फिशेज मोस्ट फिशेज ज्यादातर फिशेस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ही डिटरमिन किया जाता है फिश दैट लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर हैव एंटी फ्रीजिंग मटीरियल इन देयर ब्लड अब जो फिशीज ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर में रहती हैं उनकी बॉडी में एंटी फ्रीजिंग मटेरियल्स होते हैं वो एंटी फ्रीजिंग मटेरियल उनको हेल्प करते हैं ताकि उनकी बॉडी का जो ब्लड है वो ज्यादा फ्रीज ना हो फ्रीजिंग को प्रिवेंट करते हैं देखते हैं कि वो कौन कौन से मटीरियल है लाइक पोलियल अल्कोहल पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल सॉरबिटोल और ग्लिसरोल वगैरह ये पोलियल कोहल्स हैं जो इनके ब्लड में पाए जाते हैं एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इसके अलावा वाटर सोलिबल पेप्टाइड्स होते हैं यू नो पेप्टाइड इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अमीनो एसिड का जो शॉर्ट सीक्वेंस होता है उसको पेप्टाइड कहते हैं पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं तो इनके पास वाटर सोलिबल पेप्टाइड्स होते हैं वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर तो पर काम करते हैं या ग्लाइको प्रोटीन होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन और उनके पेप्टाइड को कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड का आपस में जो लिंक है वो ग्लाइकोपेप्टाइड कहलाता है ये इनका सबका पोलियल कोहल का वाटर सोलियल पेप्टाइड का या ग्लाइकोपेप्टाइड का एक ही काम है लोयर करना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करते हैं एंड अदर बॉडी फ्लूड जितना भी बॉडी में फ्लूड पाया जाता है तो उसमें वॉटर की जो आइस क्रिस्टलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं दीज फिशीज ऑल्सो हैव प्रोटीन और प्रोटीन शुगर कंपाउंड ग्रोथ ऑफ द आइस क्रिस्टल यहाँ पर जो आप बात करें ना पैप्टाइड दीज आर एक्चुअली अ प्रोटीन जब आप ग्लाइको प्रोटाइड पैप्टाइड की बात करते हैं दीज आर एक्चुअली अ प्रोटीन शुगर्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्टंट करते हैं रोकते हैं ग्रोथ को आइस क्रिस्टल की जो ब्लड में आइस क्रिस्टल बनती हैं या बॉडी फ्लूड में आइस क्रिस्टल बनती हैं, इनकी बिगनिंग को ही स्टंट कर देते हैं रोक देते हैं ये जो अडेप्टेशन है ये फिशेस को कोल्ड वाटर में रहने वाली फिशेज को इस काबल बनाती हैं टू स्टे फ्लेक्सिबल एंड स्विम फ्रीली ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें फ्रीली स्विम करें सुपर कूल इन्वायरमेंट स्टेट में भी इजीली स्विम करें और ऐसी फिशेस जो होती हैं बिलो माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड के भी स्विम uh, करती रहती हैं मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो भी ये फिशेस जो हैं वो सरवाइव करती रहती हैं विद इन कोल्ड वाटर तो ये एक्चुअली एक uh, इंट्रोडक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन का फिशेस में नेक्स्ट हम देखें कुछ फिशेस जो होती हैं सम एक्टिव फिशेस मेंटेन कोर टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अब टेम्परेचर ऑफ द वॉटर कुछ एक्टिव फिशेस ऐसी होती हैं कोर मतलब बॉडी की ऊपर वाली लेयर जैसे कि आपकी स्किन है दैट वाज योर कोर टेम्परेचर तो जो फिश की ऊपर स्केल के नीचे जो लेयर है वो कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं अबव द टेम्परेचर ऑफ वाटर कि जो वाटर का टेम्परेचर एक्चुअली होता है उससे ऊपर थोड़ा सा अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करना मतलब जिस मीडियम में आप रह रहे हैं उस मीडियम वाटर है और फिश जिस मीडियम में रहती है वो मीडियम वाटर है और वाटर का जो टेम्परेचर है उससे बॉडी की ऊपर वाली सतह का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा रखना फिशेस के नाम कौन से हैं ब्लू फिन ट्यूना है इसमें फिश है और बहुत सी वाइट शॉक्स हैं जिनमें मेजर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं स्किन के नीचे इनके पास स्पेशल कैटेगरी की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बाकी फिशेस में नहीं पाई जाती हाँ ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं अंडर स्किन इनके ब्रांचेस डिलीवर करती हैं ब्लड टू द डीपर पावरफुल रेड स्विमिंग मसल्स को बॉडी के अंदर इनके डीप में वर्टिब्री के पास स्ट्रोंग मसलस होते हैं जो रेड स्विमिंग मसल कहलाते हैं स्मॉलर वेसल्स आर अरेन्ज इन काउंटर कर जब दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उनके दरमियान किसी कंटेंट का चेंज हो तो उसे आप कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। तो यहाँ पर रेट मायरेबल जो है वो ब्लड वेसल्स हैं इनके और बाकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके दरमियान ये स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स हैं जो एक्टिव फिश में पाई जाती हैं इनके दरमियान जो ब्लड का एक्सचेंज ब्लड में हीट का एक्सचेंज होता है काउंटर करंट एक्सचेंज होता है वो इस काबिल बनाता है इनको ताकि अपनी बॉडी का कोर टेम्परेचर कर सके यहाँ पर एक फिगर इन्होंने दिखाई हुई है जहां पे काउंटर करंट एक्सचेंज भी दिखाया है ये फिश है फिश का सेगमेंट लिया हुआ है उस सेगमेंट को लेयर को स्टडी किया है ये उन्होंने बताया कि ये जो ब्लड वेसल्स और ब्लड वेन है ये रेट मायरेबल है जो बॉडी ये वेन है ये आर्टरी है आर्टरी और में जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और ये ब्लड क्या करता है हीट को एक्सचेंज करता है वेन्स हीट प्रोवाइड कर रही हैं और ये हीट एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द वेंस एंड द आर्टरीज ये काउंटर करंट एक्सचेंज है ये हीट इन्हें कैपेबल करती है रेड मसल्स को ये मसल्स हैं जो वर्टिब्रे के इर्द गिर्द वर्टिब्रा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं ये मसल्स हैं इन मसल्स का टेम्परेचर हाइएस्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है ये रेड मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और फिश की एक्टिविटी को भी बहुत तेज करने के लिए हेल्प करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए हेल्प करते हैं जो वार्म ब्लड होता है वेन्स में वेन्स में जो होता है वो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है वो आर्टरी के में जो होता है वो ब्लड का टेम्परेचर लो होता है तो वार्म ब्लडेड वेन्स जो है वो लो टेम्परेचर आर्टरीज के दरमियान हीट को ट्रांसफर करती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वर्टिब्रा है ये रेड मसल्स हैं, ये व्हाइट मसल्स हैं, ये सिलोम है अगर आप देखें रेड मसल्स का जो टेम्परेचर है दिस इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी वन और इससे अबव जाते जाए ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव थर्टी ट्वेंटी वन तो बॉडी की लेयर्स का टेम्परेचर जो है वो फॉल करता रहता है लेकिन एक्चुअली जो कोर टेम्परेचर होता है वो वाटर के मुकाबले में हाईएस्ट होता है और मसल्स रेड मसल्स हीट जो है वो बॉडी की लेयर में थ्रो ब्लड काउंटर करेंटिक्स एक्सचेंज जो है वो शिफ्ट करवाते हैं जो कि कोर से मूव करता हुआ डिक्रीज करता रहता है क्योंकि काउंटर करंट एक्सचेंज होता रहता है तो रेड मसल से ये ब्लड uh, मूव करता हुआ बॉडी की कोर तक पहुंचता है तो जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है हीट दैट ऑफ रेट मायरेबल में काउंटर करंट एक्सचेंज होता है द हीट दैट तीज रेड मसल जनरेट रेड मसल्स का काम क्या है हीट को जनरेट करना वो लॉस्ट नहीं होती बल्कि वो रेट मायोरेपल की मदद से ट्रांसफर होती है जो कोल्ड आर्टरीज आउटवर्ड जा रही होती हैं स्किन के ऊपर की तरफ आ रही होती हैं कोर की तरफ आ रही होती हैं उनमें एक्सचेंज करके हीट पास करके उनके बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन करते हैं दिस अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड वेसल एक्सचेंज विगोरस एक्टिविटी बाय कीपिंग द स्विमिंग मसल्स सेवरल डिग्री वार्मर

इस एक्सचेंज के नतीजे में जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है और इस टेम्परेचर की वजह से ही जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है ताकि कोर का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए इन रिगार्ड टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ द वाटर वाटर के मुकाबले में एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए और इसकी मेंटेनेंस की वजह से ही फिश की जो एक्टिविटी होती है वो हाई होती है वो कोल्ड वाटर में भी एक्सटेंसिवली मूव करती है अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज रखती है रेट मारेबल फिशिज के जो रेड मसल होते हैं कॉन्ट्रेक्शन फोर टाइम जो होती है वो स्ट्रोंग होती है ये स्विम करते हैं फास्ट इनकी रेंज ज्यादा होती है वाइल्डली डेप्थ में मूव करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं तो यहाँ पर हमने ऐसी फिशेज में रेगुलेशन है जो कि कोल्ड वाटर में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उनमें हमने डिफरेंट टाइप के एडाप्टेशन देखी उनके ब्लड में और और पेप्टाइड ग्लाइकोपेप्टाइड वगैरह मौजूद होते हैं अल्कोहल मौजूद होते हैं ये हेल्प करते हैं इनको अपनी बॉडी का आ, में एंटी फ्रीजिंग के तौर पर ये एक्ट करते हैं और बॉडी में जो क्रिस्टल्स बनती हैं आइस की उसको बिगनिंग में ही स्टॉप करते हैं स्टंट करते हैं दूसरा हमने पढ़ा कि इनमें रेट मायरेबल वेन्स होती हैं वैसल्स होती हैं वो काउंटर करंट एक्सचेंज करती हैं और इस टेम्परेचर को यूज करती हैं कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो काउंटर कर, आ, देखना है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स एम्फीबियन की जो बॉड स्किन होती है वो थोड़ी स्लिमी होती है मतलब स्लाइवरी होती है

Uh, तो इनमें एयर होता है सराउंड मीडियम ये फेस करते हैं मार्क डेली एंड मार्क्सलीजनल टेम्परेचर जो भी सीजनल टेम्परेचर चेंज आता है उनको ये फेस करते हैं हवा गर्म है या ठंडी है या सर्दियां हैं या गर्मिया टेम्परेचर है, है ट्रॉपिकल है तो इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एक्टोथर्म मतलब ये इन्वायरमेंट से हीट लेकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कोल्ड ब्लडेड हैं दे ड्राइव देयर

हीट बहुत जल्दी से बॉडी सरफेस से लॉस्ट हो जाती है ये दो रीजन एंड फॉर्म देयर बॉडी सरफेस हीट लॉस्ट हो जाता है रेपिडली इनकी बॉडी सरफेस से हो एवर एज प्रीवियस नोटेड बिहेवियरल्टन इन्होंने बहुत से अपने बिहेवियरल अडेप्टेशन की है जो इसको इस काबिल बनाती है कि अपने टेम्परेचर को हाई और लो रेंज में मेंटेन कर सकें होम्योस्टेटिक रेंज से मुराद ऐसी रेंज होती है जो हाई और लो के दरमियान अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने को होम्योस्टेटिक रेंज कहते हैं तो इनकी बॉडी में ऐसी आई है इनके के आई हैं जो इनको इस काबिल बनाती हैं कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके एम्फीबियंस है स्किन सर्फेस ये अपनी स्किन के थ्रू भी गैशियस एक्सचेंज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बॉडी uh, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब इनका एक्सचेंज होता है थ्रू स्किन एंड दिस मॉइस्चर लेयर एक्ट एज अ नेचुरल नेचुरलोरेटिंग कूलिंग सिस्टम तो इनकी बॉडी से वैपोरेशन होती है उस वेपोरेशन के नतीजे में बॉडी कूल हो जाती है तो टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है तो सबसे बेसिक जो यहाँ पर प्रॉब्लम है एम्फीबियन को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में वो यही है कि इनकी स्किन सरफेस जो होती है वो मॉइस्ट होती हो जाती है क्योंकि इनकी स्किन से गैशियस एक्सचेंज होता है बाकी में सिस्टम होता है वेल वर्ल्ड लेकिन इनमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो थ्रो स्किन भी होता है दिस प्रॉब्लम ऑफ हीट द वेपोरेशन लिमिट्स हैबिटेट एंड एक्टिविटी ऑफ टू द वार्म मॉइस्ट एरियाज जो गरम और नमी वाले इलाके होते हैं उनमें इनकी एक्टिविटी uh, जो है वो ज्यादा नहीं रहती क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया में वेपोरेशन होती है जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर लॉस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है सम एम्फीबियन सच एज कैन द मोस्ट ऑफ द म्यूकस दे सिक्रीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस अच्छा कुछ एम्फीबियन ऐसे हैं जैसे कि बुल फ्रोक है इसमें म्यूकस जो स्लाइवा प्रोड्यूस किया जाता है स्किन से उसकी अमाउंट जो होती है वो मुख्तफ होती है अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेगुलेट कूलिंग जो फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं बॉडी की फिजियोलॉजी हेल्प करती है वेपोरेशन कूलिंग को रेगुलेट करने में तो ये अब तक आपने जो पढ़ा ये एम्फीबियन के बारे में था अब हमें रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है uh, मुकाबले में ड्राई होती है ये अपनी बॉडी हीट लॉस को रिड्यूस रखते हैं एवोपरेटिंग कूलिंग वगैरह का सिस्टम इतना ज्यादा इनमें नहीं होता दे आल्सो हैव इनेबल रिब केज इनका रिब केज होता है और रिब केज वेंटिलेशन में हेल्प करता है थोड़ा लंबा एक्सटेंडेड रिब केज होता है इनकी बॉडी में

डिफाइन करता है ये बॉडी का सारा ब्लड जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी में शंट करता है सर्कुलेट करता है और रूटिंग का मतलब है रूट इख्तियार करना शंट्स का मतलब है एक डायरेक्शन में बॉडी के सेंटर में जो है वो अपने ब्लड को रेगुलेट uh, करता है जिसकी वजह से ये एनिमल हैं अपने हीट को इंक्रीज करते हैं और रिस्पॉन्स इनकी बॉडी में हीट इंक्रीज करने के लिए कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं उनका लेवल भी हीट की प्रोडक्शन को एनहेंस करता है जिनमें थायरोक्सिन और एपिनेफ्रीन हैं ये दोनों जो हैं, वो नेचर रेगुलेशन में टेम्परेचर को इनक्रीज करने में हेल्प करते हैं इनके और ज्यादा अगर हम इन पर बात करें तो टर्टाइज वगैरह हैं या लैंड टर्टल जो होते हैं पहले तो हमने सी की बात की या हम लैंड की कर रहे हैं वो तो अपने आप को कूल रखते हैं एक तो स्लाइवेशन अः स्लाइवा प्रोड्यूस करना माउथ से छोटा कर लेना पहले आपने जो अडेपेशन पढ़ी है वो एक्चुअली आपने पढ़ी है सी टटल और सी स्नेक में वो रूट ब्लड का रूट जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी में शंट करते हैं जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टर्टाइज और टर्टल जो है वो अपने आप को कूल रखते हैं सेलिवेशन से स्लाइवा प्रोड्यूस करके माउथ से बबल प्रोड्यूस करके अपनी बैक लेग पे यूरिन करके अपनी आइस को मॉइस्ट रखकर और पेंटिंग मतलब जो मुंह खोल के आ, सांस लेना और बहुत शॉर्ट शॉर्ट सांस लेने के को हम पेंटिंग कहते हैं तो पेंटिंग के नतीजे में आई होप सो आपने दोनों रेगुलेशन को अंडरस्टैंड किया होगा इन लेक्चर विल डिस्कस रेगुलेशन इन बर्ड्स एंड द मैमल्स